तो बेहद खास ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झालावाड़ के झालरापाटन से। ये तस्वीरें हैं जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहां पर निकल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कल इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए झालावाड़ से और यहां पर प्रवेश किया है इस यात्रा ने, और अब ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस यात्रा को अपना समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर इस यात्रा में शामिल है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद हैं। ये बेहद खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं इस पदयात्रा में। और केसी वेणुगोपाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी यात्रा का नेतृत्व करते हुए। और आपको बता दें कि कल ही ये जो यात्रा है उसने राजस्थान में प्रवेश किया और आज उसके बाद पहला दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और दूसरे फेज की यात्रा भारत जोड़ो की यहाँ पर शुरू हो चुकी है झालरापाटन में। और इससे पहले राहुल गांधी ने यहाँ पर लंच भी किया, एक घंटे का जो है वो यहाँ पर लंच ब्रेक लिया गया, उस दौरान कुछ विश्राम किया गया और उसके बाद दूसरे फेज की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। और लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जरा तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का कितना समर्थन यहां पर मिल रहा है, लोगों का कितना प्यार यहां पर मिल रहा है। और यही बात कल राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भी कही थी कि जहां से भी उनकी जो यात्रा है वो गुजर रही है वहां पर लोग पूरा समर्थन अपना देते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं और जिस भी चीज़ों की मदद उन्हें लग रही है उन चीज़ों की मदद लोगों के द्वारा यहां पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर ये बयां करती है कि आगामी चुनाव में जो कांग्रेस है वो एकजुट है राजस्थान की। और इसके साथ ही जो आलाकमान की बात की जाए तो आलाकमान यहाँ पर नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है और आगामी चुनाव में विपक्षियों को यहां पर पूरी तरीके से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल जो हैं वो वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, बेहद खास ये तस्वीरें जो है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर ये नजर आता है कि कांग्रेस जो है वो कितनी मजबूत है और एकजुटता की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल भी मंच पर जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर सहरिया जनजाति की तरफ से नृत्य पेश किया गया, उसमें राहुल गांधी झूमते हुए नजर आए। लेकिन सबसे गौर करने वाली और सबसे खास तस्वीर वो थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में यही संदेश कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है आगामी जितने भी चुनाव है उनको लेकर और पूरे यहाँ पर तैयारी के साथ ये अगले चुनाव को लेकर नजर आएंगे और एकजुटता के साथ वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका सामना करेंगे। मानशु, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए तो फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बेहद खास तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मरुधरा की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो प्रवेश कर चुकी है। कल शाम भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया और उस दरमियान भव्य स्वागत किया गया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब पारंपरिक लोक नृत्य के साथ, लोक गायन के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया था। और काफी समय से, लंबे समय से राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, वो तमाम तैयारियों को लेकर यहां पर नजर आ रही थी। जोरों शोरों से तैयारियां की गई है और न सिर्फ झालावाड़ और झालरापाटन की बात कर रहे हैं बल्कि पूरे प्रदेश भर में जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरेगी वहां वहां पर वहां के जो तमाम प्रतिनिधि हैं उन्होंने और जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने यहां पर तैयारियां कर रखी हैं, खुद वहां पर जाकर पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और उसी की वानगी कल शाम देखने को मिली जब
राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन्होंने झालावाड़ में प्रवेश किया और उस दौरान भव्य स्वागत किया गया था। जोरदार स्वागत समारोह जो है वो उसका आयोजन किया गया था और उस आयोजन में खुद राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए, वो नृत्य करते हुए नजर आए। सहरिया जनजाति के जो लोग थे उनकी तरफ से लोक नृत्य पेश किया गया था, आदिवासी लोक नृत्य, उसमें राहुल गांधी खुद झूमते हुए नृत्य करते हुए नजर आए और इसके साथ साथ उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्वाइन किया, सचिन पायलट ने उन्हें ज्वाइन किया, गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर नाचते झूमते नजर आए, इसके साथ ही कमलनाथ भी वहां पर जो है नृत्य करते हुए नजर आए थे। तो बेहद खास वो तस्वीरें थी। और अब आपको बता दें कि आज पहला दिन यात्रा का जो है वो सुबह से यहाँ पर शुरू हो गया है। पहले फेज की यात्रा यहाँ पर पूरी हुई और उसके बाद अब दूसरे फेज की यात्रा यहाँ पर चल रही है। इसी बीच राहुल गांधी यहाँ पर झालावाड़ में झालरापाटन में रुके और लंच ब्रेक उन्होंने लिया है 1 घंटे का, थोड़ा सा विश्राम किया और उसके बाद अब दूसरे फेज की जो यात्रा है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो यात्रा है वो खास तौर पर उसका उद्देश्य राहुल गांधी और जो कांग्रेस है उनकी तरफ से यही कि जिस तरीके से प्रदेश में और देश में बेरोजगारी जो है वो युवाओं को परेशान कर रही है, इसके साथ ही महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है और ऐसे में आमजन बेहाल है महंगाई को लेकर, तो तमाम जितने यहाँ पर चीजें हैं जिनकी वजह से आमजन परेशान हो रहे हैं, जो लोग हैं, जो आवाम है भारत की वो परेशान हो रही है, उसी के विरोध में यहाँ पर ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई है। और कन्याकुमारी से ये जो यात्रा है वो शुरू हुई और कन्याकुमारी से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में वीरों की धरती पर ये जो यात्रा है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी हिमांशु जो है वो लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, बेहद खास ये तस्वीरें हैं, वीरों की धरती पर आखिरकार ये जो यात्रा है वो पहुंच चुकी है। लंबे समय से यहाँ के जो लोग थे वो उनका इंतजार यात्रा का यहाँ पर किया जा रहा था, कल शाम इंतजार खत्म हुआ और बेहद खास वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी छात्राओं के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी हुई है, ऐसे में उसके विरोध में, उसके खिलाफ यहां पर उनकी तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है और उनकी कोशिश यही है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ में कांग्रेस के तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो की गई है ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें सामने लाया जा सके, जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सामने लाया जा सके, जनता के बीच में जो समस्याएं हैं उनको सुना जा सके और उस पर कांग्रेस का आगे का पूरा की पूरा एक जो रूट मैप है वो बनाया जा सके, किस तरह से काम करना है जनता के मुद्दों को लेकर के, उस पर जो है वो तेजी से काम जो है वो फिलहाल हो रहा है इस यात्रा के साथ में, जो कुल मिलाकर के फिलहाल तस्वीरों के साथ में समझ में आता है। आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो किस तरह से इस यात्रा के साथ में जुड़ती हुई नजर आ रही है। आज यात्रा का पहला दिन है, दूसरा पड़ाव है और किस तरह से जो बड़ा रिस्पॉन्स है वो यात्रा को मिल रहा है वो सीधे तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं ये यहाँ पर कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है इस यात्रा के साथ में। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनके साथ में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद से बेहतर जो रिस्पॉन्स है वो फिलहाल झालावाड़ जिले में, जिस झालावाड़ जिले को जिससे पूरी तरह से बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और मैं कोशिश करूंगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास साहब से बात करूं। खाचरियावास साहब, निश्चित तौर पर एक बड़ा रिस्पांस जो है वो इन तस्वीरों के साथ में देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि जो उम्मीद नहीं की थी। खाचरियावास साहब, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अद्भुत है।